जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। दोस्तों, ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनकी शिक्षा मात्र इंटर तक हुई थी, किंतु हिंदी का कोई भी अध्येता बिना आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़े हुए आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों नमस्कार, आज का पाठ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 11 के हिंदी साहित्य की पुस्तक अपरा का 15वां अध्याय गद्य साहित्य का आविर्भाव, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आइए सर्वप्रथम इस महान समालोचक, निबंधकार तथा गद्य लेखक के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हो लें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में अगोना गांव में हुआ था। इनके पिता पंडित चंद्र बलि शुक्ल सदर कानूनगो थे। वहीं 9 वर्ष की उम्र में इनकी मां का देहांत हो गया था, जिससे यह बचपन में ही काफी परिपक्व हो गए थे। हिंदी आलोचना के आधार स्तंभ आचार्य शुक्ल का व्यक्तित्व और कृतित्व बहुआयामी है। वे एक साथ ही साहित्य इतिहासकार, मूर्धन्य हिंदी काव्य शास्त्री, श्रेष्ठ पाठालोचक तथा उच्च कोटि के निबंधकार हैं। यही नहीं, वे वरेण्य कवि साहित्यकार के समानांतर प्रामाणिक अनुवादक भी हैं। जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग खुला, तब महामना मालवीय जी ने बाबू श्याम सुंदर दास को उस विभाग का अध्यक्ष बनाया तथा आचार्य शुक्ल को प्राध्यापक के पद पर नियुक्त किया। शुक्ल जी कम आयु में ही पुस्तकें लिखने लगे थे। आर्थिक कठिनाई के कारण जो पुस्तक वे लिखते थे, उसे नागरी प्रचारणी सभा को एक ही बार द्रव्य लेकर दे देते थे। यद्यपि शुक्ल जी की शिक्षा इंटर तक ही हुई, किंतु वे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उनके समान समालोचक, निबंधकार तथा गद्य लेखक दुर्लभ है। उनकी तुलसी, जायसी तथा सूर की समालोचना, हिंदी साहित्य का इतिहास तथा चिंतामणि में संग्रहित उनके निबंध अप्रतिम हैं। आचार्य जी मुख्यतः गद्य के महान लेखक थे, किंतु उन्होंने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक का ब्रज भाषा में अनुवाद करके बुद्ध चरित्र जैसी महान कृति का सृजन किया। उन्होंने बंगला भाषा के ऐतिहासिक उपन्यास शशांक का हिंदी में अनुवाद किया। प्रस्तुत पाठ आचार्य शुक्ल की कृति हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक काल संवत 1900 से 1970 के द्वितीय प्रकरण गद्य साहित्य का आविर्भाव से लिया गया है। गद्य साहित्य लेखन के उस संक्रमण काल की परिस्थितियों के प्रति आचार्य शुक्ल की सूक्ष्म दृष्टि का ज्ञान होने के साथ साथ तत्कालीन साहित्यिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। पाठ में उस समय की शिक्षोपयोगी पुस्तकें, राजा शिव प्रसाद की भाषा, राजा लक्ष्मण सिंह के अनुवादों की भाषा, फ्रेडरिक पिंकार्ड का हिंदी प्रेम, बाबू नवीन चंद राय की हिंदी सेवा, हिंदी गद्य प्रसार में आर्य समाज का योगदान, पंडित श्रद्धाराम की हिंदी सेवा आदि की जानकारी समेटने का प्रयत्न हुआ है। भारतेंदु से पूर्व हिंदी गद्य की दिशा तय होने के साथ गद्य भाषा के स्वरूप निर्माण पर रोचक शैली में प्रकाश डाला गया है। इस कालखंड को गद्य साहित्य की प्रसव पीड़ा के काल के रूप में जाना जा सकता है। आचार्य शुक्ल ने यहाँ एक चेतावनी भी दे डाली है कि भारतीय भाषाओं को संस्कृत के दूर करना और विदेशी शब्दों की घुसपैठ स्वस्थ परंपरा नहीं है। आइए मित्रों, आगे बढ़ते हैं मूल पाठ की ओर। गद्य साहित्य का आविर्भाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किस प्रकार हिंदी के नाम से नागरी अक्षरों में उर्दू ही लिखे जाने लगी थी, इसकी चर्चा बनारस अखबार के संबंध में कर आए हैं। संवत 1913 में अर्थात बलवे के एक वर्ष पहले राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। उस समय और दूसरे विभागों के समान शिक्षा विभाग में भी कुछ लोगों के मन में भाषापन का डर बराबर समाया रहता था। वे इस बात से डरा करते थे कि कहीं नौकरी के लिए भाखा अर्थात भाषा संस्कृत से लगाव रखने वाली हिंदी न सीखनी पड़े। अतः उन्होंने पहले तो उर्दू के अतिरिक्त हिंदी की पढ़ाई की व्यवस्था का घोर विरोध किया। उनका कहना था कि जब अदालती कामों में उर्दू ही काम में लाई जाती है, तब एक और जबान का बोझ डालने से क्या लाभ। जबान अर्थात भाषा। भाखा में
हिंदुओं की कथा वार्ता आदि कहते सुन वे हिंदी को गंवारी बोली भी कहा करते थे। गंवारी अर्थात असभ्यों की भाषा। इस परिस्थिति में राजा शिव प्रसाद को हिंदी की रक्षा के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हिंदी का सवाल जब आता तब कुछ लोग उसे मुश्किल जबान कहकर विरोध करते। अतः राजा साहब के लिए उस समय यही संभव दिखाई पड़ा कि जहां तक हो सके ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाए, जिसमें कुछ फारसी अरबी के चलते शब्द भी आए। उस समय साहित्य के कोर्स के लिए पुस्तकें नहीं थी। राजा साहब स्वयं तो पुस्तकें तैयार करने में लग ही गए। पंडित श्रीलाल और पंडित वंशीधर आदि अपने कई मित्रों को भी उन्होंने पुस्तकें लिखने में लगाया। राजा साहब ने पाठ्यक्रम में उपयोगी कई कहानियां लिखी, जैसे राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत, आलसियों का कीड़ा इत्यादि। पंडित पद्रीलाल ने डॉक्टर बेलेंटाइन के परामर्श के अनुसार सन 1919 में हितोपदेश का अनुवाद किया, जिसमें बहुत सी कथाएं छांट दी गई थी। उसी वर्ष सिद्धांत संग्रह अर्थात न्यायशास्त्र और उपदेश पुष्पावती नाम की दो पुस्तकें निकली थी। मानव धर्म सार की भाषा राजा शिव प्रसाद की स्वीकृत भाषा नहीं। प्रारंभ काल से ही वे ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे, जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का भी स्वच्छंद प्रयोग हो। यद्यपि अपने गुटका में जो साहित्य की पाठ्य पुस्तक थी, उन्होंने थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ और सरल भाषा का ही आदर्श बनाए रखा। जो गुटका अर्थात छोटे आकार की पुस्तक पर संवत 1917 के पीछे उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा, जो बराबर बना क्या रहा, कुछ न कुछ बढ़ता ही गया। इसका कारण चाहे जो समझिए या तो यह कहिए कि अधिकांश शिक्षित लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया, अथवा अंग्रेज अधिकारियों का रुख देखकर। अधिकतर लोग शायद पिछले कारण को ही ठीक समझेंगे। जो हो, संवत 1917 के उपरांत जो इतिहास भूगोल आदि की पुस्तकें राजा साहब ने लिखी, उनकी भाषा बिल्कुल उर्दूपन लिए है। राजा साहब ने अपने इस उर्दू वाले पिछले सिद्धांत का भाषा का इतिहास नामक जिस लेख में निरूपण किया है, वही उनकी उस समय की भाषा का एक खास उदाहरण है। अतः उसका कुछ अंश नीचे दिया जाता है। हम लोगों को जहां तक बन पड़े चुनने में उन शब्दों को लेना चाहिए जो कि आम फहम और खास पसंद हो। आम फहम अर्थात सामान्य लोगों में प्रचलित, और खास पसंद अर्थात विशेष लोगों को पसंद हो, अर्थात जिनको ज्यादा आदमी समझ सकते हैं और जो यहाँ के पढ़े लिखे आलिम फाजिल पंडित विद्वान की बोलचाल में छोड़े नहीं गए हैं, और जहां तक बन पड़े हम लोगों को हरगिज गैर मुल्क के शब्द काम में न लाने चाहिए और न संस्कृत की टकसाल कायम करके नए नए ऊपरी शब्दों के सिक्के जारी करने चाहिए। गैर मुल्क अर्थात पराया देश, टकसाल अर्थात वह स्थान जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं, जब तक कि हम लोगों को उसके जारी करने की जरूरत न साबित हो जाए, अर्थात यह कि उस अर्थ का कोई शब्द हमारी जबान में नहीं है, या जो है अच्छा नहीं है, या कविताई की जरूरत, या इल्मी जरूरत, या कोई और खास जरूरत साबित हो जाए, प्रमाणित हो जाए। भाषा संबंधी जिस सिद्धांत का प्रतिपादन राजा साहब ने किया है, उसके अनुकूल उनकी यह भाषा कहाँ तक ठीक है, पाठक आप समझ सकते हैं। आम फहम, खास पसंद, इल्मी जरूरत जनता के बीच प्रचलित शब्द कदापि नहीं है। फारसी के आलिम फाजिल चाहे ऐसे शब्द बोलते हों, पर संस्कृत हिंदी के पंडित विद्वान तो ऐसे शब्दों से कोसों दूर हैं। मित्रों, इल्म अर्थात विद्या, ज्ञान अथवा जानकारी, किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति परंपरा से होता है। अतः साहित्य की भाषा उस संस्कृति का त्याग करके नहीं चल सकती। भाषा में जो रोचकता या शब्दों में जो सौंदर्य का भाव रहता है, वह देश की प्रकृति के अनुसार होता है। इस प्रवृत्ति के निर्माण में जिस प्रकार देश के प्राकृतिक रूप रंग आचार व्यवहार आदि का योग रहता है, उसी प्रकार परंपरा से चले आते हुए साहित्य का भी। संस्कृत शब्दों में थोड़े बहुत मेल से भाषा का जो रुचिकर रूप हजारों वर्षों से चला आता था, उसके स्थान पर एक विदेशी रूप रंग की भाषा गले में उतारना देश की प्रकृति के विरुद्ध था। यह प्रकृति विरुद्ध भाषा खटकी तो बहुत लोगों को होगी, पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। उन्होंने संवत 1918 में प्रजाहितेशी नाम का एक पत्र आगरे से निकाला और 1919 में
अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद बहुत ही सरल और विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा हुई और भाषा के संबंध में मानो फिर से लोगों की आंखें खुली। राजा साहब ने उस समय इस प्रकार की भाषा जनता के सामने रखी। अनुसुईया बोले प्रियंवदा से, सखी मैं भी इसी सोच विचार में हूँ, अब इससे कुछ पूछूंगी। प्रकट, महात्मा तुम्हारे मधुर वचनों के विश्वास में आकर मेरा जी यह पूछने को चाहता है कि तुम किस राजवंश के भूषण हो और किस देश की प्रजा को विरह में व्याकुल छोड़ यहाँ पधारे हो। क्या कारण है जिससे तुमने अपने कोमल गात को कठिन तपोवन में आकर पीड़ित किया है। गात अर्थात शरीर या भाषा ठेठ और सरल होते हुए भी साहित्य में चिरकाल से व्यवहृत संस्कृत के कुछ रसिक शब्द लिए हुए है। रघुवंश के गद्यानुवाद के प्रकथन में अर्थात भूमिका में राजा लक्ष्मण सिंह जी ने भाषा के संबंध में अपना मत स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया है। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी फारसी के, परंतु कुछ अवश्य नहीं है कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाए और न हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे हों। अब भारत की देश भाषाओं के अध्ययन की ओर इंग्लैंड के लोगों का भी ध्यान अच्छी तरह जा चुका है। उनमें जो अध्ययनशील और विवेकी थे, जो अखंड भारतीय साहित्य परंपरा और भाषा परंपरा से अभिज्ञ हो गए थे अर्थात परिचित हो गए थे, उन पर अच्छी तरह प्रकट हो गया था कि उत्तरीय भारत की असली स्वाभाविक भाषा का स्वरूप क्या है। इन अंग्रेज विद्वानों में फ्रेडरिक पिंकार्ड का स्मरण हिंदी प्रेमियों को सदा बनाए रखना चाहिए। इनका जन्म संवत 1893 में इंग्लैंड में हुआ। उन्होंने प्रेस के कामों का बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त किया और अंत में लंदन की प्रसिद्ध एलन एंड कंपनी WH एलन एंड कंपनी 13 वाटरलू प्लेस पॉल मॉल साउथ वेस्ट के विशाल छापे खाने के मैनेजर हुए। वहीं वे अपने जीवन के अंतिम दिनों के कुछ पहले तक शांतिपूर्वक रहकर भारतीय साहित्य और भारतीय जनहित के लिए बराबर उद्योग करते रहे अर्थात प्रयास करते रहे। संस्कृत की चर्चा पिंकार्ड साहब लड़कपन से ही सुनते आते थे, इससे उन्होंने बहुत परिश्रम के साथ उसका अध्ययन किया। इसके उपरांत उन्होंने हिंदी और उर्दू का अभ्यास किया। इंग्लैंड में बैठे ही बैठे उन्होंने इन दोनों भाषाओं पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया कि इनमें लेख और पुस्तकें लिखने और अपने प्रेस में छापने लगे। यद्यपि उन्होंने उर्दू का भी अच्छा अभ्यास किया था, पर उन्हें इस बात का अच्छी तरह निश्चय हो गया था कि यहाँ की परंपरागत प्राकृत भाषा हिंदी है, अतः जीवन भर ये उसी की सेवा और हित साधना में तत्पर रहे। उनके हिंदी लेखों कविताओं और पुस्तकों की चर्चा आगे चलकर भारतेंदु काल के भीतर की जाएगी। संवत 1947 में उन्होंने उपर्युक्त एलन कंपनी से संबंध तोड़ा और गिलबर्ट एंड रिबिंगटन नामक विख्यात व्यवसाय कार्यालय में पूर्वीय मंत्री ओरिएंट एडवाइजर एंड एक्सपर्ट नियुक्त हुए। उक्त कंपनी की ओर से एक व्यापार पत्र आइन सौदागरी उर्दू में निकलता था जिसका संपादन पिंकार्ड साहब करते थे। उन्होंने उसमें कुछ पृष्ठ हिंदी के लिए भी रखे। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी के लेख वे ही लिखते थे। लेखों के अतिरिक्त हिंदुस्तान में प्रकाशित होने वाले हिंदी समाचार पत्रों जैसे हिंदुस्तान, आर्य दर्पण, भारत मित्र से उद्धरण भी उस पत्र के हिंदी विभाग में रहते थे। भारत का हित वे सच्चे हृदय से चाहते थे। राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, कार्तिक प्रसाद खत्री इत्यादि हिंदी लेखकों से उनका बराबर हिंदी में पत्र व्यवहार रहता था। उस समय के प्रत्येक हिंदी लेखक के घर में पिंकार्ड साहब के दो चार पत्र मिलेंगे। हिंदी के लेखकों और ग्रंथकारों का परिचय इंग्लैंड वालों को वहां के पत्रों में लेख लिखकर वे बराबर दिया करते थे। संवत 1957 अर्थात नवंबर सन 1895 में वे रिया घास जिसके रेशों से अच्छे कपड़े बनते थे की खेती का प्रचार करने हिंदुस्तान में आए, पर साल भर से कुछ ऊपर ही यहाँ रह पाए थे कि लखनऊ में उनका देहांत हो गया 7 फरवरी 1896 को। उनका शरीर भारत की मिट्टी में ही मिला। संवत 1919 में जब राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक लिखा तब उसकी भाषा देख वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उनका एक बहुत सुंदर परिचय उन्होंने लिखा। बात यह थी कि यहाँ के निवासियों पर विदेशी प्रकृति और रूप रंग की भाषा का लादा जाना वे बहुत अनुचित समझते थे। अपना यह विचार
उन्होंने अपने उस अंग्रेजी लेख में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है जो उन्होंने बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के खड़ी बोली का पद्य की भूमिका के रूप में लिखा था। देखिए उसमें वे क्या कहते हैं। फारसी मिश्रित हिंदी अर्थात उर्दू या हिंदुस्तानी के अदालती भाषा बनाए जाने के कारण उनकी बड़ी उन्नति हुई। इससे साहित्य की एक नई भाषा ही खड़ी हो गई। पश्चिमोत्तर प्रदेश के निवासी जिनकी यह भाषा कही जाती है इसे एक विदेशी भाषा की तरह स्कूलों में सीखने के लिए विवश किए जाते हैं। पहले कहा जा चुका है कि राजा शिव प्रसाद ने उर्दू की ओर झुकाव हो जाने पर भी साहित्य की पाठ्यपुस्तक गुटका में भाषा का आदर्श हिंदी ही रखा। उक्त गुटका में उन्होंने राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी के साथ ही राजा लक्ष्मण सिंह के शकुंतला नाटक का भी बहुत सा अंश रखा। पहला गुटका शायद संवत 1924 में प्रकाशित हुआ था। संवत 1919 और 1924 के बीच कई संवाद पत्र हिंदी में निकले। प्रजा हितैषी का उल्लेख हो चुका है। संवत 1920 में लोकमित्र नाम का एक पत्र ईसाई धर्म प्रचार के लिए आगरे अर्थात सिकंदरे से निकला था जिसकी भाषा शुद्ध हिंदी होती थी। लखनऊ में जो अवध अखबार उर्दू में निकलने लगा था उसके कुछ भाग में हिंदी के लेख भी रहते थे। जिस प्रकार इधर संयुक्त प्रांत में राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में रहकर हिंदी की किसी न किसी रूप में रक्षा कर रहे थे, उसी प्रकार पंजाब में बाबू नवीन चंद्र राय महाशय कर रहे थे। संवत 1920 और 1937 के बीच नवीन बाबू ने भिन्न भिन्न विषयों की बहुत सी हिंदी पुस्तकें तैयार की और दूसरों से तैयार कराई। ये पुस्तकें बहुत दिनों तक वहां कोर्स में रहीं। पंजाब में स्त्री शिक्षा का प्रचार करने वालों में ये मुख्य थे। शिक्षा प्रचार के साथ साथ समाज सुधार आदि के उद्योग में भी बराबर रहा करते थे। अंग्रेजों के प्रभाव को रोकने के लिए किस प्रकार बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी उसका उल्लेख पहले हो चुका है। नवीन चंद्र ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के प्रचार के उद्देश्य से समय समय पर कई पत्रिकाएं भी निकाली। संवत 1924 अर्थात मार्च सन 1837 में उनकी ज्ञानदायिनी पत्रिका निकली जिसमें शिक्षा संबंधी तथा साधारण ज्ञान विज्ञान पूर्ण लेख भी रहा करते थे। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि शिक्षा विभाग द्वारा जिस हिंदी गद्य के प्रचार में यह सहायक हुए वह शुद्ध हिंदी गद्य था। हिंदी को उर्दू के झमेले में पढ़ने से ये सदा बचाते रहे। इलाहाबाद इंस्टीट्यूट के एक अधिवेशन संवत 1925 में जब यह विवाद हुआ था देशी जवान हिंदी को माने या उर्दू को, तब हिंदी के पक्ष में कई वक्ता उठकर बोले थे। उन्होंने कहा था कि अदालतों में उर्दू जारी होने का यह फल हुआ है कि अधिकांश जनता विशेषतः गांवों की जो उर्दू से सर्वथा अपरिचित बहुत कष्ट उठाती है, इससे हिंदी का जारी होना बहुत आवश्यक है। इस पर गारसा दत्तासी ने हिंदी के पक्ष में बोलने वालों का उपहास किया था। उसी काल में इंडियन डेली न्यूज के एक लेख में हिंदी प्रचलित किए जाने की आवश्यकता दिखाई गई थी। उसका भी जवाब देने तासी साहब खड़े हुए थे। अवध अखबार में जब एक बार हिंदी के पक्ष में लेख छपा था तब भी उन्होंने संपादक की राय का जिक्र करते हुए हिंदी को एक भद्दी बोली कहा था जिसके अक्षर भी देखने में सुडौल नहीं लगते। शिक्षा के आंदोलन के साथ ही साथ मत मतांतर संबंधी आंदोलन देश के पश्चिमी भागों में भी चल पड़े। इसी के साथ दयानंद सरस्वती वैदिक एक ईश्वरवाद लेकर खड़े हुए और संवत 1920 से उन्होंने अनेक नगरों में घूम घूम कर व्याख्यान देना आरंभ किया। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये व्याख्यान देश में बहुत दूर दूर तक प्रचलित साधु हिंदी भाषा में ही होते थे। स्वामी जी ने अपना सत्यार्थ प्रकाश तो हिंदी या आर्य भाषा में प्रकाशित ही किया, वेदों के भाष्य भी संस्कृत और हिंदी दोनों में किए। स्वामी जी के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। स्वामी जी ने संवत 1922 में आर्य समाज की स्थापना की और सब आर्य समाजियों के लिए हिंदी या आर्य भाषा को पढ़ना आवश्यक ठहराया। संयुक्त प्रांत के पश्चिमी जिलों अर्थात वर्तमान उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों और पंजाब में आर्य समाज के प्रभाव से हिंदी गद्य का प्रचार बड़ी तेजी से हुआ। पंजाबी बोली में लिखित साहित्य न होने से और मुसलमानों के बहुत अधिक संपर्क से पंजाब वालों की लिखने पढ़ने की भाषा उर्दू ही रही। आज जो पंजाब में हिंदी की पूरी चर्चा सुनाई देती है इन्हीं की बदौलत है। संवत 1910 के लगभग ही विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वान पंडित सद्धाराम फुल्लोरी के व्याख्यानों
और कथाओं की धूम पंजाब में प्रारंभ हुई। पंडित सद्धाराम जी संवत 1912 में कपूरथला पहुंचे और उन्होंने महाराज के सब संशयों का समाधान करके प्राचीन वर्णाश्रम धर्म का ऐसा सुंदर निरूपण किया कि सब लोग मुग्ध हो गए। वर्णाश्रम धर्म अर्थात चार वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र पर आधारित व्यवस्था। पंजाब के सब छोटे बड़े स्थानों में घूमकर पंडित सद्धाराम जी उपदेश और वक्तव्य देते अर्थात भाषण देते तथा रामायण महाभारत आदि की कथाएं सुनाते। उनकी कथाएं सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते और सहस्रों आदमियों की भीड़ लगती थी। उनकी वाणी में अद्भुत आकर्षण था और उनकी भाषा बहुत जोरदार होती थी। स्थान स्थान पर उन्होंने धर्म सभाएं स्थापित की और उपदेशक तैयार किए। उपदेशक अर्थात उपदेश देने वाले। उन्होंने पंजाबी और उर्दू में भी कुछ पुस्तकें लिखी हैं, पर अपनी मुख्य पुस्तकें हिंदी में ही लिखी हैं। अपना सिद्धांत ग्रंथ सत्यामृत प्रवाह उन्होंने बड़ी प्रौढ़ अर्थात परिष्कृत भाषा में लिखा है। वे बड़े ही स्वतंत्र विचार के मनुष्य थे और वेद शास्त्र के यथार्थ अभिप्राय को अर्थात भाव को किसी उद्देश्य से छिपाना अनुचित समझते थे। इसी से स्वामी दयानंद की बहुत सी बातों का विरोध वे बराबर करते रहे। यद्यपि वे बहुत सी बातें कह और लिख जाते थे जो कट्टर अंधविश्वासियों को खटक जाती थीं, खटकना अर्थात अप्रिय लगना, और कुछ लोग इन्हें नास्तिक अर्थात ईश्वर को न मानने वाला तक कह देते थे। पर जब तक वे जीवित रहे सारे पंजाब के हिंदू उन्हें धर्म का स्तंभ समझते रहे। पंडित सद्धाराम जी कुछ पद्य रचना भी करते थे। हिंदी गद्य में तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा और वे हिंदी भाषा के प्रचार में बराबर लगे रहे। संवत 1924 में उन्होंने आत्मचिकित्सा नाम की एक अध्यात्म संबंधी पुस्तक लिखी जिसे संवत 1928 में हिंदी में अनुवाद करके छपाया। इसके पीछे तत्व दीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह जो कि व्याख्यानों का संग्रह है, शतोपदेश जिसमें दोहे हैं इत्यादि संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने अपना एक बड़ा जीवन चरित्र 1400 पृष्ठ के लगभग लिखा था जो कहीं खो गया। भाग्यवती नाम का एक सामाजिक उपन्यास भी संवत 1934 में उन्होंने लिखा जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। अपने समय के वे एक सच्चे हिंदी हितैषी अर्थात हिंदी का भला चाहने वाले और सिद्ध हस्त अर्थात कुशल लेखक थे। संवत 1938 में उनकी मृत्यु हुई। जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन उनके मुंह से सहसा निकला कि भारत में भाषा के दो लेखक हैं, एक काशी में दूसरा पंजाब में, परंतु आज एक ही रह जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि काशी के लेखक से अभिप्राय हरिश्चंद्र से था। राजा शिव प्रसाद आम फहम और खास पसंद भाषा का उपदेश ही देते रहे, उधर हिंदी अपना रूप आप स्थिर कर चली। इस बात में धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों ने भी बहुत कुछ सहायता पहुंचाई। हिंदी गद्य की भाषा किस दिशा की ओर स्वभावतः जाना चाहती थी इसकी सूचना तो काल अच्छी तरह दे रहा था। सारी भारतीय भाषाओं का साहित्य चिरकाल से संस्कृत की परिचित और भावपूर्ण पदावली का आश्रय लेता चला आ रहा था। अतः गद्य के नवीन विकास में उस पदावली का त्याग और किसी विदेशी पदावली का सहसा ग्रहण कैसे हो सकता था, जबकि बंगला, मराठी आदि अन्य देशी भाषाओं का गद्य परंपरागत संस्कृत पदावली का आश्रय लेता हुआ चल पड़ा था, तब हिंदी गद्य उर्दू के झमेले में पड़कर कब तक रुका रहता। सामान्य संबंध सूत्र को त्याग कर अर्थात जोड़ने वाले धागे को छोड़कर दूसरी देशी भाषाओं से अपना नाता हिंदी कैसे तोड़ सकती थी। उनकी सगी बहन होकर एक अजनबी के रूप में उनके साथ वह कैसे चल सकती थी, जबकि यूनानी और लैटिन के शब्द यूरोप के भिन्न भिन्न मूलों से निकली हुई देशी भाषाओं के बीच एक प्रकार का साहित्यिक संबंध बनाए हुए हैं, तब तक ही मूल से निकली हुई आर्य भाषाओं के बीच उस मूल भाषा के साहित्यिक शब्दों की परंपरा यदि संबंध सूत्र के रूप में चली आ रही है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। कुछ अंग्रेज विद्वान संस्कृत गर्भित हिंदी की हंसी उड़ाने के लिए किसी अंग्रेजी वाक्य में उसी भाषा में लैटिन के शब्द भरकर पेश करते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि अंग्रेजी का लैटिन के साथ मूल संबंध नहीं है, पर हिंदी, बंगला, गुजराती आदि भाषाएं संस्कृत के ही कुटुंब की हैं, उसी के प्राकृत रूपों से निकली हैं। इन आर्य भाषाओं का संस्कृत के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। इन भाषाओं के साहित्य की परंपरा को भी संस्कृत की परंपरा का विस्तार कह सकते हैं। देशभाषा के साहित्य को उत्तराधिकार में जिस प्रकार संस्कृत साहित्य के कुछ संचित शब्द मिले हैं उसी प्रकार विचार और भावनाएं भी मिली हैं।
विचार और वाणी की इस धारा से हिंदी अपने को विच्छिन्न अर्थात अलग कैसे कर सकती थी। राजा लक्ष्मण सिंह के समय से ही हिंदी गद्य की भाषा अपने भावी रूप का आभास दे चुकी थी। अब आवश्यकता ऐसे शक्ति संपन्न लेखकों की थी जो अपने प्रतिभा और सद्भावना के बल से उसे सुव्यवस्थित और परिमार्जित करते और उसमें ऐसे साहित्य का विधान करते अर्थात निर्माण करते जो शिक्षित जनता की रुचि के अनुकूल होता। ठीक इसी परिस्थिति में भारतेंदु का उदय हुआ। तो मित्रों, यह था गद्य साहित्य का आविर्भाव नामक अध्याय जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया गया है। आइए इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, राजा भोज का सपना कहानी के कहानीकार कौन थे? उत्तर, राजा शिव प्रसाद। अगला प्रश्न, राजा लक्ष्मण सिंह ने कौन सी पत्रिका निकाली? उत्तर, प्रजा हितैषी। अगला प्रश्न, कौन से विदेशी विद्वान हिंदी की हित साधना में तत्पर रहे? उत्तर, अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिंकार्ट। अगला प्रश्न, पिंकार्ट साहब का देहांत कहाँ हुआ? उत्तर, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, राजा लक्ष्मण सिंह ने कौन सा नाटक लिखा? उत्तर, अभिज्ञान शाकुंतल। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन थे? उत्तर, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, श्रद्धाराम फुल्लोरी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? उत्तर, भाग्यवती। अगला प्रश्न, शकुंतला नाटक की भाषा देखकर पिंकार्ड साहब प्रसन्न क्यों हुए? उत्तर, संस्कृत शब्दावली युक्त सरल हिंदी भाषा के प्रयोग के कारण। अगला प्रश्न, अपनी मृत्यु के अंतिम दिन श्रद्धाराम फुल्लोरी ने क्या कहा? उत्तर, भारत में भाषा के दो लेखक हैं, एक काशी में और दूसरा पंजाब में, आज के बाद अब एक ही रह जाएगा। अगला प्रश्न, हितोपदेश का अनुवाद किसने किया? उत्तर, पंडित बद्रीलाल ने। प्रश्न 11, सत्यामृत प्रवाह किसने लिखा? उत्तर, श्रद्धाराम फुल्लोरी ने। अगला प्रश्न, चिंतामणि के लेखक कौन हैं? उत्तर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, भाषापन का डर किस भाषा की ओर संकेत है? उत्तर, संस्कृत निष्ठ हिंदी। अगला प्रश्न, राजा शिव प्रसाद का झुकाव किस ओर था? उत्तर, संस्कृत निष्ठ हिंदी की ओर। अगला प्रश्न, ज्ञानदायिनी पत्रिका किसने निकाली थी? उत्तर, बाबू नवीन चंद्र राय ने। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? उत्तर, सत्यार्थ प्रकाश। अगला प्रश्न, उर्दू के पक्षपाती हिंदी को क्या कहते थे? उत्तर, गंवारी बोली और मुश्किल जबान। अगला प्रश्न, न हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे हों, यह कथन किसका है? उत्तर, राजा लक्ष्मण सिंह का। अगला प्रश्न, संवत 1924 में प्रकाशित पहले गुटका में कौन सी रचनाएं संकलित थी? उत्तर, राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी और शकुंतला नाटक का बहुत सा अंश। अगला प्रश्न, अदालतों में उर्दू के प्रयोग के स्थान पर हिंदी के जारी होने की मांग किसने उठाई थी? उत्तर, बाबू नवीन चंद्र राय ने। प्रश्न 21, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, संवत 1922 में। अगला प्रश्न, राजा लक्ष्मण सिंह के बाद हिंदी गद्य को समृद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? उत्तर, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। प्रश्न 23, संवत 1957 में फ्रेडरिक पिंकार्ट भारत क्यों आए थे? उत्तर, रिया घास का प्रचार करने। अगला प्रश्न, आत्मचिकित्सा नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? उत्तर, पंडित श्रद्धाराम फुल्लोरी। और प्रश्न 25, आलसियों का कीड़ा नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? उत्तर, राजा शिव प्रसाद ने। तो मित्रों, ये था
कक्षा 11 हिंदी साहित्य की पुस्तक अपरा का 15वां अध्याय गद्य साहित्य का आविर्भाव, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक काल से उद्धृत है। आशा है आपको यह वीडियो व्याख्यान पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज बातें साहित्यिकी को। धन्यवाद।